आइए चलते हैं जावरिया, जहां पर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद नजर अब्बास नकवी बोलो टीवी को इंटरव्यू देते हुए कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर की अहमियत बयान कर रहे हैं। आजी जफर अब्बास बोलो टीवी जीआर जावरिया, मैं इस वक्त तो जनाब डॉक्टर सैयद नजर अब्बास नकवी साहब के साथ हूँ, जो हमें कोरोना वायरस के बारे में आगाही देंगे। मैं ये वजाहत कर दूंगा कि कोरोना से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक वायरस है जो कि चाइना से शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में इसने अपने लपेट में ले लिया। कतन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका वायद और वायद हल जो है वो आइसोलेशन है, कि अपने आप को दूसरे लोगों से फासले में रखें। अगर आपको बुखार होता है या कोई तकलीफ़ होती है तो आप पैनाडॉल की गोली खा लें, और इससे ज़्यादा अगर आपको खांसी वगैरह हो तो किसी मुस्तनद डॉक्टर को आप दिखा लें। लिहाजा कोरोना का जो पैनिक हमारे मुल्क में फैला हुआ है वो लोगों को इसने नफसियाती तौर पे मरीज़ बना दिया है। कोरोना से बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छे लोग रिकवर हो रहे हैं हमारे, बहुत कम परसेंटेज है, 2% उन लोगों की है जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके लंग्स पहले कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। अदरवाइज़ माशाल्लाह हमारे को 250-250 डॉक्टर को हुआ है, सब सेहतमंद हैं। इसलिए मेरी ये अपील है कि आप परेशान नहीं होना, खुश रहना है और अपने आप को फासले पर रखना है, इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। जनाब डॉक्टर साहब जी, चूँकि कोरोना वबा के बारे में खौफ ज़्यादा पाया जाता है और अवेयरनेस नहीं है जी, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा यही ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट करना चाहिए कि आप अपने आप को लोगों को फासले पे रखें और कुछ मास्क पहन के रखें, ग्लव्स पहन के रखें, थोड़ी सी एहतियात कर लें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। और इसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हमारा स्लोगन है कि हमने इससे डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। तो ये एक पैनाडॉल की गोली का इलाज है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। आप पैनिक ना हो, खुश वाच रहें, इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा।